चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि आप अपना माइक्रोवेव कैसे क्लीन कर सकते हो। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था। तो कोई भी मॉडल का माइक्रोवेव हो, ये जो कॉमन तरीका है, इससे आप उसको आसानी से, चाहे जितना भी जो हार्ड स्टेन्स हो अपने माइक्रोवेव में, ऑयल मार्क्स हो, कुछ भी हो, उसको बहुत इजीली आप क्लीन कर सकते हो। तो वो प्रोसेस हम जो करेंगे क्लीनिंग वाला, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो एक तो माइक्रोवेव से बोल चाहिए, तो उसमें मैं डालने वाली हूँ पानी। मैंने ऐसे कप का, एक कप पानी लिया था, उसमें से मैंने पूरा नहीं डाला, थोड़ा मैंने रख दिया है। तो मिनिमम इतना सा पानी सफिशिएंट है। और आपको चाहिए होगा लेमन। लेमन, इससे क्या होता है ना, बहुत जो ऑयली स्टेन्स है तो वो इजीली हट जाते हैं। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप वाइट विनेगर यूज़ कर सकते हो। तो मैं आज यूज़ करूँगी लेमन। तो लेमन को हम इस पानी में स्क्वीज कर लेंगे। मैं एक लेमन यूज़ कर रही हूँ। ये स्क्वीज करने के बाद ये छिलकों को हम साथ में ही इसमें डुबो देंगे। और मैं इसको भी स्क्वीज करके इसका जो जूस है निकाल लेते हैं और इसको भी हम डाल देंगे। अभी हम इस बोल को माइक्रोवेव के अंदर 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव मोड यूज करके हीट करेंगे। जब ये हीट होगा तो पूरा माइक्रोवेव के अंदर स्टीम स्प्रेड हो जाएगा और उसी स्टीम से पूरा माइक्रोवेव गीला गीला हो जाएगा और फिर हम लोग उसको साफ करेंगे। तो चलिए अभी इसको माइक्रोवेव में डाल देते हैं। तो ये है मेरा माइक्रोवेव। मेरा माइक्रोवेव मैं रेगुलर साफ करती हूँ। जब भी कुकिंग करती हूँ इमीडिएटली इसको साफ कर लेती हूँ, ताकि कोई भी ऑयल स्टेन्स अगर इसमें ज़्यादा देर रहेगा तो वो जिद्दी बन जाएगा, बहुत डिफिकल्ट होगा बाद में रिमूव करना। तो मैं तुरंत ही साफ कर लेती हूँ, इसलिए आपको उतना गंदा नहीं दिखेगा। लेकिन मोस्टली माइक्रोवेव में ना गंदा होता है ये ऊपर, जब कोई आप हीट करते हो, कुक करते हो, ऑयल स्टेन्स ऊपर चिपक जाते हैं, ग्लासेस में चिपक जाते हैं। तो अभी मैं इस बोल को इसमें डालूंगी और फिर इसको माइक्रोवेव मोड पे 5 मिनट के लिए इस पानी को मैं हीट कर लूंगी। 5 मिनट हो चुका है, अभी हम इसको निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो विंडो है इस पे स्टीम आ गया है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, और अंदर भी आ गया है। तो मैं ऐसे एक सॉफ्ट किचन टॉवल यूज़ कर रही हूँ। ये गर्म है तो इसमें मैं थोड़ा सा नॉर्मल वाटर भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि नहीं तो ये बहुत गर्म हो जा रहा है। तो इससे क्या होगा, हम आसानी से इसको हैंडल कर पाएंगे। तो अभी हम प्लेट को निकाल लेते हैं और इसको भी, नहीं तो हमें क्लीनिंग करने में डिफिकल्टी होगी। तो पहले हम ग्लास को क्लीन कर लेंगे। बहुत आसानी से जो भी स्टेन्स वो रिमूव हो जाता है। ड्राई किसी कपड़े से ये जो बटन्स है ना, इसको भी साफ कर ले, नहीं तो अगर धूल जम जाएगा तो टच बटन आपका अच्छे से काम नहीं करेगा। तो हमारा ओवन क्लीन हो चुका है। अभी हम थोड़े देर के लिए इसको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे और मीनवाइल जो टर्न टेबल है उसको भी आप क्लीन कर लेना अच्छे से, विम बार या कोई भी साबुन लिक्विड से। तो मेरा ये ओवन क्लीन हो गया है और मेरे इस ओवन में मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक फीचर है जिसको बोलते हैं स्टीम क्लीन और डिओड्राइजर डिसइनफेक्ट। तो हम इस बटन के यूज़ से
मैं इसको क्लीन कर सकती हूँ, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी ताकि जिनके पास ये सेम मॉडल है उनको आसानी मिले ये फीचर यूज़ करने के लिए। और मैं एक टिप दूंगी कि जब आप ओवन में कुकिंग कर रहे हो, प्लीज़ कुकिंग के बाद जब ये नॉर्मल हो जाए, कूल डाउन हो जाए, तब इसको तुरंत अभी क्लीन कर लीजिएगा, नहीं तो वो स्टेन्स अगर बहुत दिनों के लिए रह जाएगा ना तो बाद में आपको डिफ़िकल्टी होगी और फिर गंदा भी लगेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले, और मेरे अगले वीडियो तक हावी एंड मी को देखते रहिए।